रोहतास के लालसोट में युवती के खुले बोरवेल में गिरने के मामले में नया अपडेट निकलकर सामने आया है। पुलिस को पड़ताल में मौके से कागज मिला है जिसमें लिखा हुआ है कि अब मैं नहीं मिलूंगी। इसके बाद पुलिस आत्महत्या का अंदेशा जता रही। हालांकि बोरवेल में खुदाई का काम लगातार जारी है, लेकिन संदेह ये भी है कि युवती आखिर बोरवेल में है कि नहीं है। 30 फीट तक बताया जा रहा है कि खुदाई हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद अभी तक नीचे खोदने का लगातार काम चल रहा है। और वहां पर कपड़े मिले थे, कपड़े के साथ एक सुसाइड नोट भी मिला था जिसमें लिखा हुआ था कि मैं अब नहीं मिलूंगी, जिसके बाद ये अंदेशा जताया जा रहा था कि बोरवेल में वो गिरी होगी। तो लक्ष्मी अवतार इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं लाइव। लक्ष्मी, क्या कुछ इस वक्त पूरी जानकारी है? क्या खुदाई अभी भी चल रही है और ये कंफर्म हो पाया है कि युवती इसमें है या नहीं है? जो सुसाइड नोट मिला था उसके आधार पर कोई पड़ताल आगे बढ़ी? जी देखिए, बिल्कुल जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो लगातार जारी है। पिछले 7 घंटे से ये ऑपरेशन चल रहा है। करीब 11 बजे प्रशासन को इस घटना की सूचना मिली थी, तब मौके पर प्रशासन ने पहुंचकर अपना रेस्क्यू ऑपरेशन चालू किया था। फिलहाल जो आप देख सकते हैं कि वो बोरवेल है, वहां पे जो एनडीआरएफ की टीम है, एसडीआरएफ की टीम है और जो सिविल डिफेंस की टीम है वो मौके पर पहुंच गई है। दौसा एएसपी अनिल चौहान मौके पर है, एडीएम लोकेश मीना मौके पर है, लालसोट एसडीएम जेपी गुजर मौके पर है। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। लगभग खुदाई का काम है जो वो करीब 30 से 35 फीट हो चुका है और जो अभी कैमरा है वो बोरवेल के अंदर डाला गया। कैमरे से मालूम किया जा रहा है कि बोरवेल में क्या स्थिति है। फिलहाल जो युवती की बात करें तो युवती की स्थिति अभी तक भी साफ नहीं हो पाई है कि युवती इसमें है या नहीं है, लेकिन प्रशासन अपने स्तर पर पूरी कोशिश कर रहा है रेस्क्यू के जरिए कि कहीं ना कहीं युवती को। लक्ष्मी, दरअसल जो तस्वीरें देखिए कैमरे के जरिए वहां पर दिख पा रही है इस प्रीव्यू में, उसमें पानी दिखाई दे रहा है, लेकिन कहीं से भी न कपड़े न किसी तरीके से ये अभी तक संकेत नहीं मिल पा रहा कि वाकई में युवती इसमें है। कोई और तंत्र, कोई और संसाधन के जरिए अभी तक नहीं पता किया गया कि अगर ब्रीदिंग हो रही है या कोई और चीज उसमें अटकी हुई तो पता किया जा सके कि हाँ, अंदर खुदाई करने के बाद अगर कुछ है तो वहां तक पहुंचा जा सकता है। जी बिल्कुल, देखिए जो प्रयास है वो भी किए जा रहे हैं, अभी तक ये कंफर्म नहीं हो पाया है कि युवती इसमें है नहीं है। एनडीआरएफ की जो टीम है वो भी मौके पहुंची, उसने आके अभी तक जो अभी कैमरा है जो वो बोरवेल में डाला है, लेकिन बोरवेल के अंदर कोई हलचल किसी प्रकार की दिखाई नहीं दे रही है। अभी तक ये साफ नहीं हो पाया कि युवती इसमें है या नहीं है, लेकिन अब जो खुदाई का काम है वो रोका हुआ है। सर्दी भी काफी तेज है, थोड़ा अंधेरा हो गया है, उसकी वजह से थोड़ी परेशानी आ रही है। हमारे साथ है दौसा एएसपी है हमारे साथ में। बिल्कुल सही आपने लक्ष्मी कहा, तस्वीरें लगातार वहां से जो आप भेज रहे हैं साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि तमाम टीमें लगी हुई हैं, खुदाई का काम लगातार जारी है, लेकिन अभी तक जो टीम है वो ये कंफर्म नहीं कर पाई, उसको ये कंफर्म नहीं हो पाया कि वाकई में युवती इसमें गिरी थी, है अंदर या नहीं है, लेकिन खुदाई लगातार जारी है। शुक्रिया।